हेलो दोस्तों, सबको राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन बाद आया आप लोगों के सामने। और दोस्तों, तो अभी मेरे आज से 15 दिन पहले मेरे सारे फार्म की जो मूछली है खुदाई हो चुकी थी। और खुदाई में मैं बिजी था, इसके लिए काफ़ी दिन, और बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। और अभी मैं अपने घर पे हूँ। और देखिए, उधर दिख रही होगी आपको, नहीं यहाँ से नहीं दिख रही, चलिए पास जाके दिखाता हूँ कि जो मेरी मूछली है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मतलब उसको धूप में रखे हुए, तो मतलब 1 हफ्ते का 10 दिन हो गया रहेंगे, 10 दिन नहीं तो 8-9 दिन हो गए शायद। तो अभी उसको काफ़ी धूप लग चुकी है, और फिर ज़्यादा बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो उस हिसाब से अभी उसको मैं अंदर रखना है। तो मैं सोचा कि अंदर रखने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके का मेरा जो है फार्म का जो मूसली है वो निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये रखा हुआ है, ठीक है, चलिए आपको अभी पास से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है, काफ़ी सूख चुकी है, देखिए अच्छी खासी निकली है। देखिए ये फंगल अच्छे, देखिए मतलब बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब मिक्सअप टाइप में कुछ, देखिए ऐसे इस तरीके से छोटे भी हैं। तो सारे फंगर सेम तो होते नहीं हैं, ठीक है, कुछ छोटे बड़े होते हैं अभी। और एक और दूसरी जगह भी लगा के रखा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसको ज़्यादा मोटा ढेर नहीं लगा सकते। देखिए तो इस तरीके का ये सब, अभी इसमें देखिए आप, अच्छे से धूप लग चुकी है, और अभी इसको देख सकते हैं, इसको अभी सिर्फ देखिए, जो मिट्टी अतिरिक्त रहती है वो ज़्यादा धूप लगने से देखिए गिर जाती है सब नीचे। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये सबसे नीचे जाके मिट्टी इसमें गिर जाएगी, तो जो फंगर होता है उसमें, फंगर में देखिए ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी होती है, हल्की हल्की लगी होती है। और दोस्तों इसी तरीके का, इसको धुलाई नहीं कर सकते, आप सोच रहे होंगे कि इसकी मिट्टी के लिए धुलाई कर दें, धुलाई अगर हमने कर दिया तो फिर समझो कि इसका जो अनुनी ताकत है वो समझो ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये जो मूसली की मिट्टी है इतनी अतिरिक्त, ये सब अभी नीचे गिर जाएगी, देख सकते हैं धूप लगने से ये सब नीचे रह जाती है। ठीक है, ठीक है, सब छोटे बड़े हैं फंगर, देख सकते कितना मतलब सुकड़ चुका है, 1 हफ्ते हो गए इसको धूप लग के, देखिए कितने अच्छे फंगर थे, और धूप लगने से अभी सोचिए इसमें कोई अतिरिक्त नमी है ही नहीं, गीली मतलब आप सोच सकते हैं कि गीला, देख सकते पूरा सूख चुका है। ठीक है, अभी इसको हम अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये है, तो देखिए दोस्तों ये है, काफ़ी सूख चुकी है, देखिए अच्छी खासी निकली है, देखिए ये फंगर अच्छे, देखिए मतलब बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब मिक्सअप टाइप में कुछ, देखिए ऐसे इस तरीके से छोटे भी हैं, तो सारे फंगर सेम तो होते नहीं हैं, ठीक है, कुछ छोटे बड़े होते हैं भी। और एक और दूसरी जगह भी लगा के रखा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसको ज़्यादा मोटा ढेर नहीं लगा सकते। देखिए तो इस तरीके का ये सब, अभी इसमें देखिए आप, अच्छे से धूप लग चुकी है,
और अभी इसको देख सकते हैं आप, इसको अभी से देखिए जो मिट्टी अतिरिक्त रहती है वो ज़्यादा धूप लगने से देखिए गिर जाती है सब नीचे। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये सबसे नीचे जाके मिट्टी इसमें गिर जाएगी। तो जो फंगर होता है उसमें, फंगर में देखिए ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी होती है, हल्की हल्की लगी होती है। और दोस्तों इसी तरीके का इसको धुलाई नहीं कर सकते, आप सोच रहे होंगे कि इसकी मिट्टी के लिए धुलाई कर दें, धुलाई अगर हमने कर दिया तो फिर समझो कि इसका जो अंदरूनी ताकत है वो समझो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये जो मूसली की मिट्टी है इतनी अतिरिक्त, ये सब अभी नीचे गिर जाएगी, देख सकते हैं धूप लगने से ये सब नीचे रह जाती है। ठीक है, ठीक है, सब छोटे बड़े हैं फंगर, देख सकते कितना मतलब सुकड़ चुका है, एक हफ्ते हो गए इसको धूप लग के, देखिए कितने अच्छे फंगर थे और धूप लगने से, अभी सोचिए इसमें कोई अतिरिक्त नमी है ही नहीं, गीली मतलब आप सोच जो सोच सकते हैं कि गीला, देख सकते पूरा सूख चुका है। ठीक है, अभी इसको हम अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये है